दोस्तों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर तहसील प्रशासन के द्वारा फहराया गया तिरंगा। जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्लौर अंतर्गत बिल्लौर कोतवाली में एसीपी आलोक सिंह व थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया गया तिरंगा और दी गई सलामी। वहीं तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ने फहराया तिरंगा। सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ उप जिलाधिकारी लक्ष्मी लांबा, तहसीलदार लक्ष्मी नारायण वाजपेयी, एसीपी आलोक सिंह, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार अलक शुक्ला, नायब तहसीलदार दिव्या भारती एवं एलआईयू इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर व्यक्त किए अपने उद्गार विचार और सभी उपस्थित लोगों के साथ साथ समस्त तहसील के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्त की शुभकामनाएं और राष्ट्रीय पर्व के लिए दी बधाई। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मानित करते हुए उनसे भी कुछ आशीर्वचन बोलने के लिए कहा गया। उक्त अवसर पर वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा उपस्थित लोगों को दी गई गणतंत्र दिवस के प्रति शुभकामनाएं और बधाई, साथ साथ में दिए गए आशीर्वचन। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। पर्व में हमारे उपस्थित विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री राजा राम जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मंचा सिंह, उप जिलाधिकारी महोदय, एसीपी महोदय, तहसीलदार महोदय और समस्त अधिकारी का, हमारे लेखपाल साथी, जमीन साथी, पत्रकार बंधु और अधिवक्ता बंधु, सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच हमारे तहसील में आवासीय ग्राम चंदपुरा बसना के परम आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होता है। शायद आज से 5 या 6 साल बाद आने वाली युवा पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त ना हो तब हम क्या कहा करेंगे कि हम वो अंतिम व्यक्ति है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की छत्रछाया में रहे हैं। तो यह मेरे लिए तो हमेशा गौरव का विषय रहेगा कि कम से कम स्वतंत्रता संग्राम में भले प्रतिभाग कर सके हो, लेकिन उसमें प्रतिभाग करने वाले योद्धाओं की छत्रछाया में हमने अपना जीवन काटा है और मुझे मंत्रालय के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। 26 जनवरी को मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है ये तो हम सभी का, हम सभी इससे परिचित है तो बार बार उसके संबंध में बताना उचित नहीं होगा। मेन मुख्य बिंदु यही है कि जिस उद्देश्य से गणतंत्र पर्व मनाया जाता है उस उद्देश्य को हम लोग धारण करें और राष्ट्र आगे बढ़ता रहे, नई ऊंचाइयां छूता रहे, हमारे नागरिक सभ्य हो और जिस उद्देश्य से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वह उद्देश्य मजबूत हो, इसी आशा के साथ सभी को सुप्रीम धन्यवाद। हमारे राजस्व परिवार के सभी साथी सबको आज इस गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि एक गणतंत्र कहते हैं कि लोगों का तंत्र और पीपल बाय द पीपल थ्रू द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो जो प्रक्रिया बनाई गई थी 1950 जनवरी को उसको बिल्कुल लगातार जारी है और इसमें हमें कोई कमियां नहीं दिखाई देती है या सरकार इस पर बहुत आगे जा रही है, हमारे जो विकास कार्य बहुत आगे जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमें आज़ादी मिली। इसी में हमारे सामने एक मूर्त रूप में बैठे हुए श्री राजा राम जी,
जिनका हम सभी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि इन्हीं सभी के लोगों के अथक प्रयासों से आज हम वो जो दास्ता की बेड़ियां थी उनको तोड़कर फिर आगे बढ़े और हम अपना एक देश, स्वतंत्र देश और गणराज्य की स्थापना कर पाए। देश तो 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन हमें 3 साल लगे, जैसा हमारे आगे साथियों ने बताया, 2 साल 11 महीने 18 दिन उस संविधान को बनाने में लगे। उसके बाद 1950 26 जनवरी इसलिए चुना गया कि 1930 में हमने पहले ही 20 साल पहले ही पारित कर दिया था कि 26 जनवरी के दिन अगर देश आ जाता है तो 26 जनवरी का दिन एक स्पेसिफाइड डे होगा। राप्ती नदी के किनारे वो एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि देश आजाद होगा तो 26 जनवरी, तो इसलिए वो रखा गया कि बाकी तो नवंबर से लगा दिए गए सारे प्रावधान थे, लेकिन वो 26 जनवरी इसलिए रखा गया कि वो हमारे 20 साल पहले से वो एक स्पेसिफिक डे था। तो आज की हम सबके लिए भी, क्योंकि हम लोग विभाग से हैं और विभाग में जो काम दिए जा रहे हैं अगर उनको हम अपना अपनाएं तो शायद जो सेना में जो बॉर्डर की रक्षा कर रहा है उसका जो मूर्त रूप तभी हो पाएगा कि जब हम अपना काम सही कर पाए। सारे लोग नहीं जा सकते बॉर्डर पे, बट जिसको जो काम दिया जाए अगर वो काम वही सही कर ले तो शायद वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी और किसी को फलीभूत ही तभी कर सकते हैं कि जब देश अच्छा विकास होगा, जब उसके नागरिक अच्छे होंगे। आप कहते हैं किसी, आप घर में गए तो सबसे साफ क्या होता है, जो आपका सबसे पुअर पॉइंट है, जो सबसे गंदा जगह है वो आपका सबसे साफ एक आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। आप एक जंजीर है, जो कमजोर कड़ी होती है आप खींचिए तो जो टूटेगी सबसे कमजोर कड़ी पहले टूटेगी। इसी तरह कहते हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है, जो पीछे है उनको सपोर्ट करिए कि वो लोग भी आपके साथ चले। एक आदमी अगर आगे जंप कर जाएगा पीछे दूसरा रह जाएगा तो फिर हम सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ही जरूरत है, समय की जरूरत है, क्योंकि उतार चढ़ाव जो आपकी होता है ना कि उसके आगे बढ़ के हम सबको साथ लेके चले कि साथ एक यूनिट के तौर पर चले, जिससे कि हम आगे देश में बहुत कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को आज की बहुत बहुत हमारे एसडीएम में अन्य अधिकारी, सभा में उपस्थित सभी राजस्व विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरी ओर से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को बताएंगे आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यदि हम संविधान की मूल भावना को देखें, जो हमारा संविधान जब अंगीकृत किया गया था तो उसकी उद्देशिका में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें न्याय के लिए है, विचारों के लिए है, सब चीज़ों के लिए है। यदि हम उसको देखेंगे तो शायद, और जो हम यहाँ पर एक डेमोक्रेसी के जो हम 4 पिलर की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी का मुख्य मतलब ये है कि जो संविधान के बने हुए सारी चीज़ें हैं उनको हम समाज में साकार रूप में उनको ला सकें। और इसी क्रम में मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हम आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम उनका सपना साकार नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, हमें हमारे देश के नवनिर्माण हमें अपना पूरा योगदान देना है। इसी अपेक्षा के साथ मैं साहब वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम समापन की तरफ बढ़ रहा है और हम अब निवेदन करते हैं अपने बीच उपस्थित श्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राजाराम जी से कि बिना उनके दो शब्द के हमको आशीर्वाद दिए हुए सब लोगों को इस कार्यक्रम की समापन भी करना अच्छा नहीं लगेगा। Thank you.
आदरणीय बंधुओं, मैं सबको नमन करता हूँ और हमारे आए हुए पदाधिकारी और बैठे नायब साहब बैठे और ये हमारे पक्ष में जनता संग्राम के नारियों के विषय ने बहुत हमको सम्मान सम्मान किया हमारा और इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा हमारे बीच दादा श्री राजा राम जी ने आशीर्वाद करो तो संत हम लोगों को बोले कि कम से कम अभी आगे आने वाले 15 अगस्त चंद्र जनवरी को कार्यक्रमों में आज की बात आपका आगमन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को इस सभा का समापन करने के लिए अपने तहसील के उपजिलाधिकारी महोदय प्रणाम जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको समापन करें और दोस्तों के सामने इस सभा का हमारे राजस्व परिवार के सभी लेखपाल हमी संगे सभी हमारे परम आदरणीय कर्मचारी हैं पत्रकार बंधु सभी सम्मान्य निमंत्रण है। मैं आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। यह गणतंत्र दिवस जहाँ हमें एक बार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करने का एक मौका देता है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र जो हमारे मूल्य हैं उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने का आह्वान भी करता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम श्रेष्ठ भारत एक भारत के सपने को साकार करने का प्रण लें। हम लोग जहाँ अपने अधिकारों के प्रति इतने सजग हैं वहीं हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सजग होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।